नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। मॉब लिंचिंग का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के मसले पर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। मोहन भागवत के बयान पर तमाम राजनीतिक दल, ओबीसी से लेकर दिग्विजय सिंह के साथ साथ तमाम नेता भी इस पर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। क्या किसने कहा, चलिए जानते हैं। मॉब लिंचिंग का मसला पिछले कुछ वर्षों से बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों इस मसले पर एक कार्यक्रम में खुलकर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है। लिंचिंग विवाद पर मोहन भागवत ने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आरएसएस प्रमुख ने कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 सालों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं है, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुस्त पना ही हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हुए लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ओवैसी ने लिखा कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुस्त पनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलमोसी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा फहराया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि यासिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि मोहन भागवत जी, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ता को भी देंगे? क्या यह शिष्य आप मोदी साहब, भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाए। मोहन भागवत के बयान और ओवैसी के पलटवार और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के सवाल पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे सीएन न्यूज। शुक्रिया।